हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे, उम्मीद करता हूँ शानदार होगे और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ग्रुप सी के एग्जाम कब होंगे, ग्रुप डी का एडमिट कार्ड कल। एडमिट कार्ड आते ही हाथ में तो आदमी को मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ अब तो नौकरी पक्की है। तैयारी जैसी भी हो लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहना, क्योंकि तैयारी के साथ साथ अपने आप को मोटिवेट रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंसान के लिए कि हाँ इस पेपर में मेरी तैयारी है या नहीं है। तो ये खबर तो आपने देख ही ली होगी, इस तरीके की खबरें लगाई गई हैं कि सर परीक्षार्थियों को बताएगा किस शहर में होगी परीक्षा। 13,000 से एजुकेटेड युवाओं को आज या कल नेशनल टेस्ट उस शहर का नाम पता चल जाएगा जहां उनकी परीक्षा होनी। ये तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है ये जरूर बताना। अगर आपको मार्केट में मॉक टेस्ट अपने वाली ऐप पर अगर आपके 60 का स्कोर बन रहा है देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। कि 60 क्वेश्चन, क्योंकि हमने हरियाणा जी के भी टफ डाली है, साइंस भी टफ डाली है। अगर आप कमेंट करके जरूर बताना कितना स्कोर आपका मॉक टेस्ट में बन रहा है। 60 के राउंड बन रहा है तो आप सही लाइन पे हो, बस पेपर बेसरते एनटी जिस तरीके का पूछती है उस तरीके का पेपर होना चाहिए। ये नहीं हो कि और जो पेपर पूछती है प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान देती है या कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ध्यान देती है, वो रटी रटाई कोई चीज हो, कोई डाटा एकदम से नहीं देती जो आपने ना पढ़ा हो। आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछेगी, जैसे साइंस में 15 क्वेश्चन साइंस के हैं या कुछ भी पूछेगा तो कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। और फिर सरकार ने आज एक और बोला है कि हम ग्रुप डी के 15 दिन में पेपर ले लेंगे। 15 दिन का मतलब कि जैसे ही उससे स्टे हट जाएगा ग्रुप सी की भर्तियों पर, ग्रुप 56 और 57 पर, उसी दिन बोल दिया कि हम 15 दिन में पेपर लेना शुरू कर देंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी का, ALM का और उसका, ठीक है। तो आप भी ग्रुप सी वाले भी पढ़ते रहें और ग्रुप डी वाले भी अपनी तैयारी करते रहें। सर सबके पास, सभी के मन में आ रहा है कि सर अब मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। एक बात बताता हूं, हमारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जो चीज होती है उसी का राग विलाप करना चाहिए जो है ही नहीं। हम बैठकर चाय या नुक बैठते हैं, ओबामा की बात करें और ओबामा पे खिंटा कसी करें तो औकात नहीं है ना हमारी। तो हमने हमारी औकात क्या कि हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़े और कुछ नहीं कर सकते। जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट करेगी, सरकार का काम है सरकार करेगी, क्योंकि चुनाव को देखते हुए सरकार को जो करना है वो करेगी और उसमें हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता। क्योंकि HSC CET क्वालिफाई पे HSC नहीं मानी, इतने बच्चों ने प्रदर्शन किए, इतने बच्चों ने टाइम, रविंद्र मलिक, प्रवीण और बहुत सारे बच्चे हैं सांधु कैथर से जिन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया। तो जो चीज आपके हिस्से में नहीं है तो उस पर टाइम जाया मत करना आप कि सर ये है। ग्रुप डी पे जान झोंक दो, ये बोलो कि ग्रुप डी की जॉब है, ये बोलो कि आप कौन से जिले के कलेक्टर हो, सीधी सी बात है। एक बार जॉब ले लो, दुनिया पूछती है स्टेबिलिटी को, उसके बाद अच्छी जॉब तैयारी करना, लैपटॉप खरीद लेना, ऑनलाइन पढ़ाई करना और गवर्नमेंट जॉब होने के बाद अब चाहे प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख क्यों ना कमाते हो लेकिन गवर्नमेंट जॉब का पता नहीं हमारी सोसाइटी में ऐसा डाल दिया कि आप गवर्नमेंट जॉब हो तो आप एक सफल आदमी हो, आप सब कुछ हो, पता नहीं ऐसा कुछ मेंटलिटी हो चुकी है। तो आपको भी उस कतार में शामिल होना है। किताबें 15 दिन बचे हैं, अपने आप को झोंक दो, 15 भी नहीं बचे हैं, लगभग 14 दिन बचे हैं। अब तो 14वें दिन तो आपका पेपर ही है और उस पेपर के लिए आपको जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन करना है, जितना हो सके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करना है और 15 तारीख के बाद मॉक टेस्ट बंद कर देना, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना। जिसकी तैयारी अब भी नहीं है, अब भी आप सिर्फ रिविजन करें और यूट्यूब पर लगता है मेरा यही टॉपिक रहता है तो उसी टॉपिक का रिवीजन करें। ये नहीं कि जो आपने पढ़ रखा उसकी भी वीडियो देख रहे हो और उसकी भी टाइम खराब कर रहे हो, उससे अच्छा किसी दूसरे टॉपिक को कवर कर लो जो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों को। 2-3 महीने की बात और है, वो बोलते ना कि आधा सफर तय कर लिया वापिस जाऊंगा तो लोग पूछेंगे क्या रहा, अगर सफर तय ही करके आए हैं तो लोगों को बता तो दूंगा गया तो था, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, आधे सफर आधे क्या तो 90% आ चुके, 10-15 दिन की बात है। और ग्रुप सी का भी, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट आते हैं, सोशल मीडिया जो फैलाती है कि फलाना है, पेपर है, सरकार है, झुमले, वो सब करते हैं और रूलिंग पार्टी भी, दैट्स ऑल। आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को इग्नोर करके सोशल मीडिया से दूर रहकर तैयारी करनी है। ये सोशल मीडिया तब भी आया था जब 400 सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए थे, वो 400 सब इंस्पेक्टर फील्ड में आके अपने नौकरी कर रहे हैं, पोस्टेबल है, जैसे तैसे ज्वाइनिंग हुई, मेंटली हरासमेंट हुए बट आखिरकार उनको नौकरी मिल गई, ज्वाइनिंग मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप सी के वादा, मुझे नहीं पता सरकार क्या भी करेगी क्या नहीं, लेकिन पढ़ने वाला लगेगा ग्रुप सी की भर्ती में,
अपने आप को बस उस स्टेज पर रखना जिस स्टेज पर अब हो, तैयारी है तो तैयारी रखना बस, दैट्स इट। डिमोरलाइज होते हो, मनोवैज्ञानिक है, बट करें क्या, उस चीज का इलाज तो नहीं है ना हमारे पास कि सर डिमोरलाइज हो रहे हैं। सिर्फ अपने आप को मेंटेन रखो और क्या करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो तैयारी रखो, बेस्ट ऑफ लक। ये 2-3 महीने आपको नौकरी देके जाएंगे, बस अपने आप को इसमें मानसिक मजबूती रखना, बेस्ट ऑफ लक। शाम को मिलते हैं 8 बजे एक धुरंधर क्लास के साथ, जिसमें हम हिंदी का, साइंस का और हरियाणा जीके का फास्ट रिवीजन करेंगे, हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी प्रकार के नीचे कमेंट करना, आपकी राय आपके प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट करना। ठीक है, लवी सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।